सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन भैया। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th इन दोनों क्लासेस के लिए नई सिलेबस, नया एनसीईआरटी किताब और अब नई एग्जाम पैटर्न भी दे दी है। अब सवाल आ जा रहा है कि इन सब में कहाँ पे क्या क्या चेंजेज आया है, तो चलिए इसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। एग्जाम पैटर्न में आया है, बड़ा बदलाव आया है, तो इसके बारे में आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको जो आपकी नई क्यूरिकुलम निकाली गई है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, वो एज इट इज उसी को रखा गया है जो आपका 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस में दिया गया था। मतलब 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया था, सेम उसी सिलेबस को 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए रखा गया है। तो सिलेबस में चेंज कुछ भी नहीं किया गया है। हालांकि जो हमारी स्किल सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इनकी सिलेबस फिलहाल अभी सीबीएसई ने नहीं निकाली है। इन सब सब्जेक्ट की जो सिलेबस होती है, जो स्किल सब्जेक्ट की सिलेबस होती है, ये 1-2 महीने के बाद निकलती है। मतलब जून जुलाई महीने में आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सिलेबस है या कंप्यूटर एप्लीकेशन की सिलेबस है, ये आपकी निकाली जाएगी। तो फिलहाल आपका जितना भी मेन आपकी सब्जेक्ट्स है, जैसे साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तो इन सब की सारी की सब्जेक्ट की जो सिलेबस है वो सीबीएसई ने दी हुई है। हमने सबकी वीडियो भी बना दी है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस का वीडियोस देखना होगा, अच्छे से समझना होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ, जाके आप देख सकते हो। तो सिलेबस में कुछ चेंज नहीं किया गया है। इन स्किल सब्जेक्ट का मे भी कुछ चेंजेस हो जाए, होता है तो आगे आप लोगों को बताऊंगा जैसे ही सिलेबस निकाल देती है सीबीएसई। ओके, दूसरा अगर हम एनसीईआरटी किताब का बात करें, तो 2023 में तो अलग था किताब, लेकिन 2024 बोर्ड परीक्षा जो इस साल हुई थी, तो इसमें एनसीईआरटी किताबों को चेंज कर दिया गया था। लेकिन 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए फिर सीबीएसई ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। मतलब एज इट इज उसी एनसीईआरटी किताब को रखा है जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई ने चलाई थी। तो आपका एनसीईआरटी किताब में कुछ चेंज नहीं किया गया है। फिर भी अगर आप लोग को ये डाउनलोड करना होगा कि कैसे हम एनसीईआरटी किताब को 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए नई वाली एनसीईआरटी किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में बता दीजिए, फ्री में कैसे डाउनलोड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन पे देखो, सारे सब्जेक्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप एक क्लिक से उसको एज ए पीडीएफ आप सारे चैप्टर्स को डाउनलोड कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट को। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पे उसका भी लिंक दिया हुआ है, वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्लिक करोगे, पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं होगा, वो रार फाइल होता है। तो राव फाइल को ना पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तब जाके फिर आपका पीडीएफ बनता है। तो पहले उसको डाउनलोड करो, फिर राव फाइल से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका फिर आपका पीडीएफ जो है आ जाएगा, एंड उसे अपनी स्टडी को कर सकते हो, अगर आप नहीं खरीद पाते हो तो। एंड अगर खरीद लियोगे नई वाली एनसीईआरटी किताब, तो उसके अनुसार तैयारी करते रहो। तो सिलेबस और एनसीईआरटी किताब, इसमें तो कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, लेकिन एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अब एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव आया है, तो आप बता दो कि इस साल जो हमारी बोर्ड परीक्षा हुई थी 2024 की, इसकी जो एग्जाम पैटर्न थी कुछ इस प्रकार से थी कि 30% क्लास 12th वालों का 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, और क्लास 10th वालों का 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब से आपकी जो 2025 बोर्ड परीक्षा होगी, 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि क्लास 12th वालों का 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और क्लास 10th वालों का 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहने का मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये है कि जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल्स का रहेगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन जो रहेगा वो आप लोग का केस बेस्ड में ज़्यादा पूछा जाएगा, असर्शन रीजन में ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग टाइप वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो इनको कहा जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब कि जब तक आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे नहीं, आपको उसका जो आंसर है वो करने में थोड़ा दिक्कत होगा। एक होता है ना कि एक हमारी एनसीईआरटी किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। क्वेश्चंस रहेगा, एनसीईआरटी से भी रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्लास 10th वालों का 50% ही एनसीईआरटी या एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, एंड बाकी जो आपका 50% रहेगा ये आपका थोड़ा आपके आईक्यू को जांच करने के लिए, आपके मेंटेलिटी को अच्छी करने के लिए, आपके ये ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए जो है कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चंस को बढ़ाया गया है, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपका एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो अब क्लास 10th वालों का 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और क्लास 12th वालों का 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यह है एग्जाम पैटर्न। अगर हम क्वेश्चन के प्रारूप का बात करें, तो क्वेश्चन का प्रारूप आपका जैसे पिछले साल था वैसे ही रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, वही 2 मार्क्स में क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स में आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, एंड 5 मार्क्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन का प्रारूप है, ये सारे सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो
जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई हुई थी वो हमने आप लोग को फिलहाल यहाँ पे दे दी है। बाकी अगर सिलेबस की वीडियो देखनी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। एंड इसी तरह की और वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।